C डबल बॉन्ड हो देन सी एच टू एंड देन सी एच टू एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं बॉन्ड वगैरह दिखाते हैं सो ये आ गया अब हमने देख रहे हैं इसमें कौन कौन से फ्रेगमेंट हमारे पास पॉसिबल है वेल एक फ्रेगमेंट हमारे पास पॉसिबल क्या है हमारे पास एक फ्रेगमेंट ये पॉसिबल ये टूटेगा और ये टूटेगा दूसरा फ्रेगमेंट पॉसिबल क्या है ये टूटेगा और ये टूटेगा तीसरा फ्रेगमेंट क्या पॉसिबल है ये और ये पॉसिबल है ये ज द ब्लैक वन पॉसिबल इम ये देखो द रेड वन सॉरी ग्रीन वन जिसमें हमने ये लिया सी एच थ्री सी एच टू सी डबलो और फिर जो ये वाला है सी एच थ्री सी एच टू वाला वो मतलब द ब्लैक वन इज जस्ट दैट फ्लिप्ट ठीक है तो आपने इस बात का मेक श्योर करना है कि जब मैं ट्रायल वाला कर रहा हूं तो मैं फ्लिप्ट वाला दोबारा से ना ले लू ठीक है जस्ट मेक श्योर ऑफ देट देख के तो एक ये है एक ये है

हमारे पास थर्ड वाला भी हो सकता है और बाकी का तीन सी ओ सी सी एच थ्री कहाँ से बोल रहे हो मेरा बच्चा कैन यू एनोटेट ऑन द स्क्रीन एनोटेट कर दो स्क्रीन पे ऐसे भी टूट सकता है लाइवा लेकिन तुम नहीं 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 लाइवा ये यूं नहीं घूम के निकलेगा ये आ, मतलब ऐसे ऐसे भी पॉसिबल है मतलब अब मतलब, मतलब देखो इस ग्राफ में जो इतनी सारी फ्रेगमेंट साइज का मतलब ये है ना कि बहुत सारी और भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई है बट हमें वो मजीद इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में अपने आपको जरूरत नहीं है हम बस स्ट्रेट चेन को दो फ्रेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के देखेंगे हमारा कंसर्न उतना ही है एग्जाम में बस हमारे लिए उधर तक रखा हुआ है

Uh, जो है वो जिसका हमें молекуलर जिसका हमें बोला हुआ है कि इसके फ्रैगमेंट का बताओ उस पे पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा ठीक है कैन यू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस वन ठीक है इन द टर्म्स ऑफ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे 57 वाले की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं बोलूं भाई ये कैसे फॉर्मल्स की इक्वेशन लिख के दे दो कैसे करोगे इसको yep तो आपने बस क्या करना है आपने ये जो हिस्सा है ये वाला इसको पॉजिटिव लेना है और दूसरे वाले को आपने फ्री राइटिकल देना so CH3, CH2, C o, CO CH2 CH3. ये हमारा ये वाली चीज है दिस इज पॉजिटिव इसको हमने तोड़ने है दो हिस्सों में अभी हमें कौन सा हिस्सा पॉजिटिव बनाने फिफ्टी सेवन पॉजिटिव हिस्सा पॉजिटिव लिखेंगे ठीक है सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दूसरा वाला हिस्सा हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू बन जाएगा दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट और अगर मैं बोलूं आपको ट्वेंटी नाइन वाले लिख दो तो उसकी भी बहुत आसान है आपने यही चीज उठानी है ये फ्रेगमेंट करेगा तो एक फ्रेगमेंट जो हमारे पॉसिबल है वो ये वाला है दिस वन जमेंट पॉसिबल और दूसरा वाला क्या होगा फिर ये वाला, वाला कोई so परेशानी इसमें यह हो जाती है फ्रेगमेंटेशन भीट इसके अलावा मजीद इसमें और कुछ नहीं है फ्रेगमेंटेशन में देखने के लिए हमेशा आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अनलॉक कर लो

Divide by 140 यानी आ रहा है टू तो बेसिकली हमें ही बड़ा जो है वो ये है चीज और दरने की जरूरत नहीं है बस यहाँ तक ही था यह इसके आगे आपको बल्कि पूछा होगा ठीक है लेकिन सिंपल होगा अब इसको स्ट्रक्चर बनाने को कभी नहीं बोलेंगे C18, H32, बहुत मुश्किल है बनाना

अच्छा अब हमने ये निकालना है कि कितने अल्किन के फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास अच्छा उससे पहले हमें समझनी ये बात है कि तुम्हारे पास जितने अल्किन के ग्रुप्स होंगे ना उन हर जगह उस अल्किन के ग्रुप क्या होगा वहां पे होगा लाइक लाइक दिस 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 इट्स गोइंग गोइंग टू 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 ब्रेक एंड ऐड वी नीड अंडरस्टैंड दिस जहां जहां अकीन ग्रुप्स होंगे वहां पे डबल बॉन्ड ब्रोमीन ठीक है अब हमने क्या निकालना है कि भाई कितने मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड विद कितने मोल्स ऑफ मतलब कितने मोल्स ऑफ बी हैं हमारे पास और कितने मोल्स ऑफ बी आर टू है

इसका होता है, इस बात का मतलब क्या है? एक बी के साथ दो ब्रोमी अगर एक आता तो अगर जीरोक्टेड तो विद वन इस बात क्या मतलब हुआ v में कितने अल्किन बॉन्ड्स थे अगर दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए हैं एक वी के साथ सो हाउ मेनी जो है वो अल्किन बॉन्ड्स वर इन well, bond, बी आंसर टू दैट इज यू पे और दो ब्रोमीन कहीं और एड हुए इसीलिए आपके पास चार बनाए गॉटन ऑफ अल्किन फंक्शनल ग्रुप्स इन दिस इज गोइंग टू बी Is this question clear? Marriage. Okay. Moving onwards, WXY and Y have the same molecular formula C5H10O. एक्स तो तीनों तीनों में ये तो, अच्छा. क्या, तो no क्या मतलब इस बात का एक्स क्या है X में हमारे पास मीथाइल कीटोन है की ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि मीथाइल कीटोन होगा मीथाइल कीटोन दिस कीटोन सही है नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें क्या है इसमें ये तीनों कि तीनों के कीटोन है ना दे ऑल आर कीटोन मतलब सॉरी ऑल आर कार्बन

डब्ल्यूरल ड्रॉ द स्किलिटल फॉर्मूला फॉर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर आइज्रोमर्स ऑफ डब्ल्यू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइस्रॉम इन शोन डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू हमारे पास अल्डीहाइड है ठीक है और they have told you that w is aldehyde. that's all we really need to we really know about aldehyde. to matlab hum bhi samne basically jo hai wo panch carbon ka aldehyde banana hai panch carbon ka aldehyde kaun sa possible hota hai well straight chain mein sare dal do aur akhri wale ko aldehyde bana do to c c c c c aur ye yaad rakhna hamesha aldehyde end mein aata hai aur baki aap complete kar do 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ek ये हो गया आइजोमर वन आइजोमर टू कैसे बनाओ? हाउ कैन वी मेक ए नाइजर टू वन ब्रांच कर देंगे एक मीथाइल को ब्रांच कर देंगे ठीक है हमें अभी भी अल्डी हाई बनाना है तो हम अल्डी हाईडी रखेंगे इसको और हम कहीं पे भी एक रैंडम मिथाइल ग्रुप जो है वो डाल देंगे सो so, एक काम करते हैं इसको चार कार्बन का कर देते हैं वन टू थ्री फोर यहाँ पे जो है वो अल्डी हाइड डाल देते हैं और एक मीथाइल चेन यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा एक दो तीन ये हो गया सी एच एक दो ये हो जाएगा सी एच टू एक ये हो जाएगा CH3 और कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्सम इज दिस ये बताया था किसी ने किसी ने बताया था चेन है ये सो दिस इज अ चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्सम हमने एक मिथाइल को ब्रांच कर दिया एक को चेंज कर दिया ठीक है सो so, ये आ गया हमारे पास फिर क्या है हमारे पास आगे क्या है फिगर 5.1 शोस द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कीटोन ZC5H10O ठीक है उन्होंने बोला है Z है कोई और कीटोन कोई क्वेश्चन ही चेंज कर दिया

बोल रहे सी5एच10 कीटोन हैज दैट जेड की आइडेंटिटी निकाल के निकाल हाउ डू वी डू दिस मैथ्स मैथ्स से पहले एक चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई बिफोर द मैथ्स पांच कार्बन के कौन-कौन से कीटोनस पॉसिबल होते हैं पांच कार्बन के कौन-कौन से कीटोनस पॉसिबल होते हैं कीटोन ऑन हो गया कहां से आ गया पांच कार्बन के कीटोन जो है दे आर पॉसिबल या तो पेंटन थ्री ऑन है या फिर पेंटन टू ऑन है यू कैन हैव अ पेंटन टू ऑन और अ पेंटन थ्री ऑन राइट सो जेड कुड आइदर बी अ पेंटन थ्री ऑन और इट कुड आइदर बी इट कुड आइदर बी अ पेंटन टू ऑन आपके पास ये पेंटन थ्री ऑन भी हो सकता है और ये पेंटन टू ऑन भी हो सकता है अच्छा पेंटन थ्री ऑन का हाँ क्या होता है पेंटन थ्री ओन का होता है सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ देन सी एच टू होता है पेंटन टू ऑन होता है सी एच थ्री सी एच टू थोड़ा सा एक दो तीन चार पांच सी एच थ्री सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज हमें पहले दिया तो नहीं है ना ईट सो पेंटन थ्री ऑन पेंटन टू होना है और कौन सा हमें छोटे छोटेबल है. So, है, है दूसरा फ्रेगमेंट इसमें ये वाला पॉसिबल है और ये वाला पॉसिबल है दीज आर दिल्ली टू फ्रेगमेंट पॉसिबल इसका एम आर आएगा 15 इसका आएगा ये हमने निकाला था

इसमें आपके पास आ जाता है एम आपका ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन ये क्या आ जाता है ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस सिक्सटीन इज सेवेंटी वन इसका एम आर समझ बना रहा है ठीक है ग्रीन वाले क्या कह रहा है ट्वेंटी सी प्लस सी ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस थ्री थर्टी नाइन फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस और ब्लैक वाला क्या आ रहा है ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स प्लस और ट्वेल्व ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटीन इज फोर्टी थ्री दोनों फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री आ रहे हैं अच्छा अब

Can also write two -on. ठीक है आप पेंटन टू ऑन के हवाले से भी लिख सकते हो क्योंकि इधर उसने आपको पूरा ग्राफ बना के ही नहीं दिया था सो इज नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम ओवर हियर बट फ्रेगमेंट की वजह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो पेंटन टू ऑन इज दिस क्वेश्चन क्लियर कोई प्रॉब्लम इसमें